रेडीमेड दुकान पर बदमाशों ने की फायरिंग। लड़कियां छेड़ने की शिकायत करने पर नाराज थे बदमाश। दुकानदारों ने दो को पकड़ा, विरोध में बाजार हुए बंद। धौलपुर विधानसभा चुनाव के बाद से ही धौलपुर जिले में अपराध चरम पर है। एक बार फिर से बाइक सवार बदमाशों ने भरे बाजार में एक रेडीमेड दुकान पर पहुंचकर फायरिंग कर दी। शंकर रोड स्थित दुकान पर चार राउंड फायरिंग होने के बाद आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों को घेर लिया, जिनमें से दो बदमाशों को पकड़कर दुकानदारों की धुलाई कर दी। फायरिंग करने वाले बदमाश उनकी लड़कियां छेड़ने की शिकायत किए जाने से नाराज थे। पीड़ित दुकानदार रिंकू पुत्र मुन्नालाल त्यागी ने बताया कि उनके गांव मालौनी में स्कूल जाने वाली लड़कियों को कुछ मनचले छेड़ते थे, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन को नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी। पीड़ित ने बताया कि शिकायत देने से नाराज आरोपी दोपहर के वक्त उनके कपड़े की दुकान पर पहुंच गए, जहां चार आरोपियों ने दुकान में घुसकर एक के बाद एक चार राउंड फायरिंग कर दिए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर इकट्ठे हो गए, जिन्होंने बदमाशों को घेरने की कोशिश की। इस दौरान दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए, तो वहीं दो बदमाशों को लाठी और डंडों से दुकानदारों ने पकड़ लिया। बदमाशों से अवैध हथियार छुड़ाकर दुकानदारों ने उनकी मारपीट की, जिस मारपीट में फायरिंग की आरोपी जोगा और अभिषेक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी सुरेश सांखला के साथ निहालगंज थाना प्रभारी भोजाराम और कोतवाल रामकिशन यादव मौके पर पहुंच गए। सीओ सिटी ने बताया कि फायरिंग के आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनमें से दो बदमाशों को दुकानदारों ने बहादुरी दिखाते हुए पकड़ लिया है। मारपीट में घायल हुए दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यापारियों ने किया बाजार बंद, दहाड़े दुकान पर हुई फायरिंग। घटना से नाराज व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संतर रोड स्थित बाजार को बंद कर दिया। व्यापारियों ने पुलिस से क्राइम पर कंट्रोल करने की मांग की है।